TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. रुकिए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। नीच औरत है ये, वेदिका जी को मारने की कोशिश करी थी। बता सबको। सचमुच बता दो सबको साहिल। बहुत ही कीमती तोहफा लाई हूँ मैं सबके लिए। अपनी जगह से हिलना मत वरना सबको उड़ा दूंगी मैं। चुपचाप वैसा करते जाओ तो मैं कह रही हूँ, इस घर की सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत, सारा बिजनेस मेरे नाम करवा दीजिए। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम लोगों का, लगता है मर के ही मानोगे तुम सब। तुम सब पे केस कर दूंगी मैं, कपड़े तक उतर जाएंगे तुम लोगों के। ये सब कैसे करेगी तू? लगता है पैसे खोने के गम में तू सब कुछ भूल गया है। कौन से पैसे? यहाँ तो किसी ने पैसे नहीं खोए। के आ जाने से मैं इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। हे अमीर जाति, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं हम? हमारे होते हुए सपना ही होगा, जाग जाओ। उम्र की सीमाओं को लांघती साधिका की प्रेम कहानी का नया अध्याय देखिए रात 10:30 आपके आ जाने से में इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में। वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। ए अमीर जाति, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए सपना ही होगा, जाग जाओ। आपके आ जाने से में इस हफ्ते मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। ए अमीर जाति, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए सपना ही होगा, जाग जाओ। देखिए खानदानी गहने हैं, लाखों की कीमत है इनकी। कहा है कि हमको थोड़े पैसों की जरूरत है इसीलिए बेच रहे हैं। जाइए ना बड़ी अम्मा, क्यों जबरन बेइज्जती करवा रही हैं? अपने अच्छे समय में घास नहीं डाली आपने हम जैसे छोटे सुनारों को, अब हमसे मदद की उम्मीद रखती हैं? हम जेवरात बेच रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। ठीक है 2000 दे देंगे, सौदा पक्का हो तो बताइए। 2000 रुपए इनके हर खरे सोने के हैं ये? हम भी खरी बात कह रहे हैं बड़ी अम्मा, इस बाजार में हर एक सुनार आपके अहंकार की चोट का मारा हुआ है, जिसके पास जाएंगे यही जवाब मिलेगा। ये जेवर आप नहीं बेचेंगी, ना यहां पर ना कहीं और। बड़ी अम्मा हैरान होगी ना हमें देख के, इस बार हम बेल पर आए, कुछ भी गलत नहीं किया। बड़ी अम्मा हमें जूते मार लीजिए, लेकिन इस तरह ठुकराइए मत हमें, शर्मिंदा है अपनी करनी पर। हम जानते हैं कि हमारी गलती माफी के लायक नहीं है और आपसे हम माफी भी नहीं मांग रहे हैं। एक मौका तो दे दीजिए अपनी गलती को सुधारने का, ताकि मैं आपकी और ब्राजी की सहायता कर पाऊं। बड़ी अम्मा हम उस वेदिका की तरह नहीं जो अपने परिवार को घर से बाहर निकाल देंगे, आपके अलावा हमारा कोई और परिवार नहीं। और बड़ी अम्मा आपने ज्योति को तो माफ कर दिया। हेलो साहिल। वेदिका जी मुझे लग रहा है यश कुमार कोई बड़ा गेम खेल रहा है, पहले जेल में डाला फिर निकाल दिया मुझे यहां से, पता नहीं क्या चक्कर है साले चिरकुट का। देखो साहिल तुम शांत रहो, तुम उन सारी चीजों की चिंता मत करो साहिल, तुम्हारे पास और कई बातें हैं जिन पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो जाके देखो कि गौरी ठीक है कि नहीं। साहिल इस हालत में तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करना है, तुम ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे तुम्हारी फैमिली को और परेशानी हो। ओके? मैं आपको कभी नॉट ओके नहीं कह सकता वेदिका जी, वैसे आप ठीक है ना?
कितनी बात मानता है तुम्हारी। शादी के बाद उसे एक बात समझा देना कि तुम मेरी बीवी हो, दूर रहे तुमसे। मामा क्यों कर रहे हो आप ऐसा? मामा साहिल ने आपको प्रपोज किया है और वो आपके जवाब का वेट कर रहा है। मामा साहिल जितना प्यार आपसे कोई नहीं करता, पर फिर भी क्यों आप उसे खुद से दूर करते रहते हो? पहले गौतम अंकल, अब यश अंकल, मामा साहिल सबसे बेस्ट है, आप उससे शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं साहिल को सब सच सच बता दूं। नहीं नहीं आर्या, आर्या प्लीज साहिल को कुछ मत बताना, प्लीज बेटा प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। अरे मामा प्लीज। आर्या देखो, मैं जो भी कर रही हूँ ना, साहिल के भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तुम बहुत छोटी हो, तुम नहीं समझ पाओगी। आर्या एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज जब तक ये शादी ना हो जाए ना, तुम किसी को कुछ मत बताना। और यश, यश बहुत खुश रखेंगे हमें, मेरा यकीन करो। आपके आ जाने से मैं अगले सोमवार मोहब्बत के सावन में वेदिका करेगी कबूल साहिल के प्यार को। ए अमीर जाती, ये सच है या फिर सपना देख रहे हैं आप? हमारे होते हुए सपना ही होगा, जाग जाओ। हर बार तुम ऐसे खेल खेल जाती हो और हर बार मैं तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ। गलती मेरी है जो मेरा प्यार हर बार तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लेता है। कब तो उठाओगी मेरे प्यार का फायदा? अपने इलेक्शन जीतने के लिए और क्या क्या प्लान किया तुमने? जिया, are you okay? समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है ये सब, क्यों हो रहा है? मैं अभी बाहर जाके देखता हूँ। एक मिनट, ये क्या हुआ, खून निकल रहा है, चोट कैसे आई? मैडम इस कागज को पढ़ो, 10 लाख की कमाई का तरीका है इसमें, आप अपनी एक किडनी कुर्बान कर सकती हैं तो ठीक है। लेकिन इससे मेरे शरीर पे क्या असर होगा? बस बॉक्सिंग नहीं कर सकती। सर जी ये मैडम करेंगी किडनी डोनेट। हमारी जिंदगी खोद सर का उधार है। मिली? नहीं। ध्यान से चेक किया? सब जगह देखा तो है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कबर्ड में चेक किया? नहीं। Oh God, अब तो मेरा बचना इम्पॉसिबल है। अगर कल को तुम्हें ये पता चला कि तुम्हें जो कुछ भी कहा गया था सब झूठ था। कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें, तो क्या करोगे? तो मैं खुद तुम्हारा हाथ थाम कर तुम्हें मंडप तक लेके जाऊंगा, धानी से नहीं तुमसे शादी करूंगा।